अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किससे निर्मित पैंट बनाकर बाजार में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ए गाय के दूध, बी भैंस के गोबर, सी गाय के गोबर या डी भैंस के दूध। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची भागलपुर। कोरोना को मात देने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर लाई गई, जहां सदर अस्पताल में वैक्सीन केंद्र में फीजर में स्टोर कर दिया गया। वैक्सीन की पहली खेप में 43,530 डोज लाई गई है, जिसका 5 जिलों क्रमशः भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई व लखीसराय में प्रयोग किया जाएगा। वहीं बताते चलें कि सबसे पहले फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे चिकित्सक, आंगनवाड़ी सेविका व आशा कार्यकर्ताओं के बीच वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें से जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है वैक्सीन उन्हें ही दे दी जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं DIO डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि वैक्सीन की पहली खेप भागलपुर पहुँच चुकी है, 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगी। बाकी जानकारी DM सुब्रत कुमार सेन ब्रीफिंग कर देंगे। वैक्सीन आ चुका है भागलपुर में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आ चुका है, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन रिसीव कर लिए हैं और इस वैक्सीन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और ये वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई और ये वैक्सीन आ गया है। तो आम आवाम को इसकी जानकारी भी हो गई है और हम लोग ये चाहेंगे कि कोरोना को हम लोग अब मात दे देंगे। सर, 16 तारीख का डेट जो है निर्धारित किया गया है वैक्सीनेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल निर्धारित किया गया है, 16 तारीख को हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। इनमें कौन ऐसे लोग सिलेक्टेड लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल? हमको लगता है कि DM साहब कल प्रेस ब्रीफ करेंगे तो उसमें सारी बातों को बताया जाएगा। आपका परिचय सर? DIO भागल, डॉक्टर मनोज DIO भागल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बहाने प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का हमला, अजीत शर्मा का दावा, VIP भी विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। भागलपुर समेत प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रदेश सरकार पर करारा जुबानी से हमला किया है। उन्होंने कहा कि अपराध को रोकने में नाकाम NDA सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल CM नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रदेश में अपराधियों को छिपने के लिए जगह मिलने वाला नहीं है। बिहार में अपराध चरम सीमा पर, क्या कहें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरा प्रशासन और ये नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो क्राइम हो, हत्याएं हो, रेप हो, चाहे जो भी देखिए, पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि शराबबंदी लगा के सारे पुलिस प्रशासन को शराब के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं, सब मिलीभगत है। और ये प्रशासन जो है ये माननीय मुख्यमंत्री दिखाते कि मैंने इतने शराब पकड़े, अरे भाई हत्याएं जो हो रही हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियां का रेप हो रहा है, उसको आप बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल सरकार कोलैप्स हो गई है, इसमें कोई क्राइम रोक नहीं पा रही है। इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री को
बिल्कुल ये सोचना होगा, और अगर नहीं संभल रहा है तो मौका महागठबंधन को दीजिए बनाने का सरकार, और देखिए कैसे क्राइम रुकता है। अड़ेड़ीवड़ा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, खड़मास भर रुकिए, कुछ और दृश्य देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस और राजद के विधायक यहाँ शामिल होंगे, जबकि जदयू के एक नेता ने कहा कैसा नहीं होगा बल्कि विलय हो जाएगा आरजेडी का। बड़ी हंसी आती है लोगों की बातों पे। आप अपना देखो ना, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपकी पार्टी सरकार बनाई है जदयू के साथ, आप चले होगी, आप तीन संक्रांत का खड़मास रोक रहे होगी, सब पार्टियां विलय कर रहा है, कोई पहले कहा था कांग्रेस में टूट हो रहा है। अरे आप तो बिहार की जनता जो अपेक्षाएं हैं 19 लाख नौकरी की उसकी बात कीजिए, जो करप्शन बढ़ गया उसकी बात, भ्रष्टाचार की बात करिए, जो क्राइम हत्याएं हो रही है उसकी बात कीजिए। आप चल रहे हैं कि राजद विलय हो जाएगा, कांग्रेस में टूट हो जाएगा, मतलब क्या पूरी बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रखे हैं? जनता बिल्कुल आपको देख रही है, आप हत्याएं रोकने में नाकाम हो रहे हैं उसकी बात कीजिए भूपेंद्र जी। कोई पार्टी राजद और कांग्रेस कहीं नहीं टूट रही है, आप अपने को देखिए कि आप कब टूट रहे हो, और आप टूटोगे अगर आप जनता पर खड़े नहीं उतरोगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। सर लगातार आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार। भागलपुर पॉक्सो एक्ट में दोषी करार, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने एक आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है, वहीं 10,000 रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है। साथ ही पीड़ित बच्ची को राज्य सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। वकील शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि मामला शाहकुंड थाना क्षेत्र का है, वहीं घटना 3 अप्रैल 2018 को हुई थी। एक फैसला आया है, एक महिला सदर थाना में एक FIR दर्ज हुआ था 2/4/18 को, जिसमें 8 वर्ष की बच्ची के साथ जो है गैंगरेप का मामला था, और उस बच्ची के साथ पहला गैंगरेप का जो पहला अपराध किया था, आज जिस अभियुक्त को सजा दी गई है 20 साल की, उसने ही किया था। और इसमें 3 अपराधी थे, 2 अपराधी किशोर न्याय कोर्ट चले गए जुवेनाइल होने के बाद, 1 अपराधी का ट्रायल चला यहाँ, जिसमें हमारे द्वारा 5 PWs गुजारे गए, जिसमें डॉक्टर और IO सहित थे। डॉक्टर ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की थी अपने रिपोर्ट में, और IO भी जो घटनास्थल को जांच किया, निरीक्षण किया, उसमें भी वहाँ पर चूँकि घटनास्थल मकई का खेत था, जिस स्थान पर गई तो मकई का खेत का जो घास था वो टूटा हुआ पाया गया था। उसको आज इस अभियुक्त को 20 साल की सजा उसको सुनाई गई है सश्रम, और 10,000 रुपये की आर्थिक दंड, और पीड़िता को सरकार की ओर से 5 लाख रुपया सहायता राशि दी गई है, जिससे उसका जीवन सुरक्षित और उसमें अपने हेल्प हो जाए। और इस धर्मेंद्र कुमार जो है ये पहला थे जो कि इसने ही दुष्कर्म किया था उस बच्ची के साथ, पहला। उसके बाद सेकेंड में थे रविंद्र और स्वास्तिक। ठीक है, वो थानागर तो एक्यूज का थाना अंतर्गत था, शायद साकू था। सर ये टोटल फैसला आने में कितना टाइम लगा? 2019 में इसका आरोप गठन करवाए थे 19/4/19 को। सर ठीक है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर, नाबालिग का अश्लील फोटो किया वायरल, 3 माह से दे रहा था शादी करने का धमकी। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला पुरैनी में युवक द्वारा नाबालिग लड़की का अश्लील फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़ित के चाचा मोहम्मद आजम द्वारा जगदीशपुर थाने में आवेदन देते हुए बताया गया कि दक्षिण टोला पुरानी निवासी मोहम्मद रज्जाक के पुत्र मोहम्मद सद्दाम ने मेरी भतीजी का अश्लील फोटो बनाकर वायरल कर दिया है, साथ ही आरोपी पक्ष के भाई एवं पिता द्वारा धमकी दिया जा रहा है, अगर इसकी शिकायत कहीं करोगे तो तुम लोगों को जमीन विवाद में फंसा देंगे। साथ ही उन्होंने अपने आवेदन में बताया है कि आरोपी युवक मोबाइल दुकान चलाता है और वह फोटो एडिट करने में माहिर है। कौन पीछा करता था? वही साजान। सादमान। कितना दिन से?
3-4 महीने से। तो घर में गार्जियन को नहीं बोले आप? नहीं, गार्जियन को नहीं बोले थे। आजम हुआ घर पूरे ही नहीं दक्षिण मोहल्ला। क्या मैटर है? मैटर यही है कि मेरी भतीजी का ये रज्जाक का बेटा नंगा फोटो बना के भेजता था और हम सर के सामने वहाँ मोहल्ले में पहले पंचायती किए। पंचायती करने के बाद इसको जब बोलें कि भाई आके आपस में बैठ के, ये घर का बात है लड़की का बात है, आके बैठ के बात कर लो, तो ये लोग यहाँ से निकल के ना मोहल्ले में पंचायती किया। हम जाके सर को भी थाना में बोले थे, अप्लीकेशन लिख के दिए हुए थे, तो सर का कहना हुआ कि न आपस में अभी केस नहीं करना है, हम उसको बुला के समझा देते हैं। तो ये लोग थाना नहीं आके, ये लोग डायरेक्ट एसपी साहब के यहाँ जाके बयान दिया है कि हमको आजम मारपीट किया है, जिस पर के सरपंच साहब भी यहाँ का मामला सारा बात जान रहा है और सरपंच साहब भी आके मोहल्ले में सारा बयान लेके और मोहल्ले में पता कर लिया कि मारपीट किया कि नहीं। सारा शरीर मेरा कहीं पर से कोई ई नहीं है और उसको मारपीट हम लोग कहीं पर से कुछ नहीं किए हैं। ये लोग खा मखा हम लोगों को आपस में फंसाया रहा जबरदस्ती का, ड्राइवरी पेशेंट है ये लोग और यही बहाना लेके हम लोग को ही पहले से घर पुरानी दक्षिण मोहल्ला। क्या मैटर था? वो लड़का मेरा पीछा करता था। कितने दिन से? 3-4 महीने। घर में गार्जियन को नहीं बताया? नहीं। पीछा करके क्या बोल रहा था? शादी करें। उसके बाद हम बोले कि नहीं करेंगे, तो वही बोलता था कि नहीं तो फोटो वायरल करेंगे। तो फोटो वायरल कर दिया वो? हाँ। तो फिर घर में किसी को नहीं बोले आप? नहीं, जब फोटो वायरल हुआ तब सबको जाना। आपका नाम? रहीमा। पिता का नाम? मोहम्मद मकर्रम। भागलपुर के उर्दू बाजार में लॉज में अचानक सिलेंडर में लगी आग, टला बड़ा हादसा। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार के पंकज लॉज में अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि उर्दू बाजार के पंकज लॉज में एक छात्र खाना बना रहा था, इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गया। आग इतना तेजी से फैल गया कि छात्रों को संभलना मुश्किल हो गया और आग से छात्र का जरूरी कागजात सहित सामान जलकर खाक हो गया। लॉज में रह रहे सभी छात्रों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत किया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि आग पर काबू नहीं हो पाया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं आग में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। 11 बजे जो है ना, नीचे में दुकान में था, तो लड़का 11 बजे खाना बना रहा था, उसी समय गैस सिलेंडर का उसका पाइप कैसे फट गया और उससे उसका बड़ा सिलेंडर में आग पकड़ लिया। लड़का बहुत मेहनत किया आग अपने से बुझाने के लिए, लेकिन आग नहीं बुझा। हम भी गए रूम में देखने के लिए, जाके रूम में भी हम भी बहुत कोशिश किया, पानी उनी डाला, तब तक में आग विकराल हो गया। और ये तो बहुत अच्छा था कि गैस में सिलेंडर में गैस बहुत कम था, जिसके कारण से ब्लास्ट नहीं हुआ। इसमें कोई क्षति हुआ है किसी को? कोई? हाँ, इसमें बहुत क्षति हुआ। लॉज का रूम का जो है खिड़की सब फाटक, दो चौकी और लड़का का सारा डॉक्यूमेंट वो चल गया। कागज कंबल और 10-12 लड़का का भाई कंबल सब लिए थे आग बुझाने के लिए, तो 10-12 लड़का का कंबल सब जल गया। किसी कोई घटना नहीं घटित हुई? घटना नहीं घटा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। घर उर्दू बाजार। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। डोलबज्जा, अवैध मिट्टी खनन में एसपी व एसडीपीओ ने 9 ट्रैक्टर, 3 जेसीबी मशीन व 3 हाइवा को पकड़ा। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज व एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बुधवार को बाबा विश्व राउत पुल के दोनों छोर के समीप कोसी नदी के किनारे अवैध रूप से किए जा रहे मिट्टी खनन के दौरान वहां से 9 ट्रैक्टर, 2 हाइवा, 2 जेसीबी मशीन के साथ एक पॉकलेन मशीन को भी पकड़ लिया है। वहीं पुलिस को छापेमारी करते देख खनन के दोनों स्थलों पर हड़कंप मच गया, जहां दर्जनों गाड़ियों समेत चालक भागने में सफल भी रहे। छापेमारी के दौरान पुल के उत्तरी छोर के पूरब कोसी नदी किनारे 2 जेसीबी मशीन व 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। उधर पुल के दक्षिण छोर के पश्चिम नदी किनारे 7 ट्रैक्टर, 3 हाइवा और 1 जेसीबी
पॉकलेन मशीन को भी जब्त किया गया है। मौके से पॉकलेन व हाईवा के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि सभी गाड़ी के मालिक व मिट्टी खनन करवाने वाले ठेकेदार का पता लगाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पकड़े गए सभी गाड़ियों को एसपी ने माइनिंग पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव व नदी थाना अध्यक्ष मकबूल अहमद को बुलाकर उसे सौंप कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। मौके पर नौगछिया सीओ विश्वास आनंद, सीआई अंबिका प्रसाद, अंचल अमीन अमित कुमार, थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, कदवा थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार व ढोलबज्जा पुलिस के साथ राजेश रंजन कुमार भी उपस्थित थे। सारी गाड़ियां सारे आदमी लेके जल्दी अपना स्वागत है बाजार समिति और केस हो जाएगा। नहीं थाना, सुनो कहाँ गया रे थाना? साथे में रहेगा है ना, ये है ना डीएमओ साहब है ना, तैयार करेंगे साथे में रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्यों नहीं दिख रहा है? घूमना नहीं है, नहीं दिखना है, आबादी में घूमने तो नहीं दिखेगा। आज उस पद के लायक भी नहीं। कानून से मत बात, ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जहाँ मांगता है बगल किसी के खेत पर बालू निकाल लीजिएगा। जमीन वाला बेचा है। बेचा है किसको? बेचा है जमीन किसका है? नदी का है जी, जमीन वाली पेपर पर है पैसे वाला। अभी सुनो आर एस सी ओ साहब माइनिंग ऑफिसर पेपर दिखाना, पेपर सही होगा आपको सीधे छोड़ दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि पेपर गलत होगा आप पर कार्रवाई होगी, ठीक है? भागोगे कोई मत। जी में जहाँ तहाँ से इलीगल माइनिंग हो रहा है उसी क्रम में आज हमने एक टीम गठन किया, जिसमें हमारे डी पी ओ नवसिया, डी एम ओ साहब और लगभग 5-6 थाना प्रभारी साथ में, उन खुद में भी खुद आ गया था। रेड किया, रेड करने क्रम में इलीगल माइनिंग करके पाया गया। लगभग आपका एक पोकलैंड जहाँ देख रहे हैं आप, उसका और दो और भी घाट में नाम नहीं मालूम, कोटा घाट है, वहाँ भी आपका दो जे सी पकड़ाया है, लगभग 8-9 पकड़ाया है, ट्रैक्टर पकड़ाया है और 3-3 हाइवा। ये सभी इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उसमें से जो इन्वॉल्व है कुछ और जो काम करवा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। आगे कार्रवाई डी एम ओ साहब आए हुए हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार किया गया है एक हाइवा का ड्राइवर है, जो ये है पोकलैंड उसका ड्राइवर है, और एक जो इसका जो टॉम ये लोग ठेका लिया हुआ है वो तीन भी पकड़ाया गया। ये तीन सर यहाँ पे मिट्टी कटा रहा है, ये तो बोल रहा है कि हम एक हफ्ता से करवा रहे हैं, लेकिन जो उधर नदी उस पार है पिछले 3 साल से वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रहा है। और कई जो खेतिहर थे जिनका खेत था उनका ये कहना था कि हमारे खेत को भी जबरदस्ती लोग माइनिंग कर रहे हैं और फसल बर्बाद हो रहा है, और वो सभी को कार्रवाई है एफ आई आर दर्ज भी कर रहे हैं। नवगछिया के सोहरा में मुकेश सहनी का अभिनंदन समारोह का आयोजन, बोले मछुआ और निषादों के हर समस्या का होगा समाधान। लंगरा चौक प्रखंड के सोहरा गांव में मत्स्य जीवी सहयोग समिति द्वारा बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अपने अभिनंदन समारोह में मंत्री मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सहयोग से सरकार बनी है और यह सरकार आपकी सरकार है, इसलिए आप अपनी समस्या को मेरे पास रखें और आपके हर एक समस्या का निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो वैसे लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा। श्री सहनी ने कहा कि पूरे बिहार में मछुआ और निषाद जाति के लोगों को अपराधियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, लेकिन समय रहते इस समस्या को भी दूर कर दिया जाएगा। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया, वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया के मदरोनी शिव मंदिर के पास अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया घायल।
घघरा सहायक थाना क्षेत्र के मदरोनी गांव के शिव मंदिर के पास 22 वर्षीय मनीष को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मनीष के परिजन ने घायल मनीष को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोली मनीष के सीने में लगी है। चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल मनीष के भाई सरोज ने गाँव के ही युवक निशांत कुमार, सुशांत कुमार और दोनों के पिता अनंत कुमार पर गोली मारकर घायल कर देने का आरोप लगाया है। वहीं इधर रंगरा पुलिस अनंत शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि आपसी रंजिश में घटना घटी है। पुलिस घटना में संलिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। मेरा घर मदरोनी पड़ता है और हम मदरोनी के रहने वाले और जो घायल है मैं उसका भाई हूँ छोटा। हम लोग रात में जब खाना पीना खा के घर में सोने गए थे तो उस टाइम में मेरे पापा खाने के बाद जब टहलने के लिए निकलते हैं तो मेरे पापा लोग कभी उस टाइम कुछ ज़्यादा शाम नहीं हुआ था, बस झलफल शाम हुआ था। तो निशांत कुमार नाम का जो व्यक्ति है लड़का, वो अपने कार से आया और मेरे घर के जस्ट सामने अपना गाड़ी पार्क किया और गाड़ी को लॉक किया। वो अकेले था, फिर वो वहाँ से बांध की ओर निकल गया। वहाँ से गाड़ी से एक दारू का बोतल निकाला, फिर बांध की ओर निकल गया। और जैसे बांध की ओर निकला फिर वहाँ से वापस आया, एक डेढ़ घंटे बाद वापस आया। वापस आने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट किया। यहाँ हम मेरे पापा और मेरे भैया से बहस की, जो भैया घायल है उनसे बहस किया क्योंकि वो हल्ला कर रहा था। और भैया और पापा जाके बोले क्या तो यहाँ पे हल्ला मत करो, माँ बहन दारू पी के हंगामा कर, हल्ला गुल्ला मत करो, अभी घर चले जाओ, तुम बाद में आना। इतना बोले तो वो बोला, धमकी दिया कि तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी भी दे के वहाँ से निकल गया। वहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पे हम लोग का जब रास्ता जाता है तो 400 मीटर दूरी पे शिव मंदिर पड़ता है और शिव मंदिर से पीछे बालू का वो एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब पंथा टाइप का रहता है, वहाँ पे आदमी लोग ज़्यादा रात को नहीं रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब वो लोग वो आगे निकल गया, आगे वहाँ जाके खड़ा था वो, तो तब तक में मेरे भैया पीछे से अपने दोस्त के पिताजी हीरा सिंह के यहाँ सोने के लिए जा रहा था, ठीक। तो जैसे सोने के लिए जा रहा था वो अकेले में तभी पकड़ा गया। घर पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे अकेले में पकड़ा गया और उधर से वहाँ पे तीन लोग हो गए, ठीक। तीन लोग में एक निशांत कुमार खुद थे, एक उसका बड़ा भाई सुशांत सिंह जो कि मेरे भैया को पकड़े हुए थे, और उसका पिताजी अनंत कुमार सिंह जो कि ऑर्डर दिया बेटा को कि गोली चलाओ, मारो। मारने का पूरा प्लान था इनका। किस कारण से विवाद चल रहा है? विवाद आज तक ये अभी तक ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि आज तक ना मेरे भैया का उसके साथ रहना, ना उठना, ना बैठना, ना दारू का कोई धंधा में कोई संपर्क, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बिजनेस करते हैं घर में, हम लोग अलग फैमिली से, वो दारू का धंधा, हथियार का स्मगलिंग दोनों का, और आज से नहीं है वो उसका। नौगछिया भवानीपुर रंगड़ा हर जगह उसका सेलिंग रहता है। कहाँ पे गोली लगी है इनको? सीना में, छाती पे गोली लगी है बीच। और कहाँ, किस जगह पे मारी गई? मदरोनी में। हाँ, मदरोनी में, वो मसीह मंदिर के पास। घायल का क्या नाम है? भूतपुर मुखिया शैलेंद्र कुमार सिंह के घर के सामने। अच्छा, उनका क्या नाम है घायल का? मनीष आनंद, मेरे बड़े भैया। आपका नाम? मेरा नाम सरोज कुमार प्रसाद। थाना क्षेत्र रंगड़ा ओपी जिला भागलपुर रामपुर। इस पर क्या कहेंगे आप? क्राइम बढ़ रहा है आप? क्राइम नहीं बढ़ रहा, ऐसे आपसे दोनों दोस्त जी तारीफ था, इनके पिता दादाजी मर गए, इनका नाम ले लिया, जो समय का मतलब पड़ी मारे तो मारे, तो फिर घर गया, घर जाने के बाद किसी के नाम करता था, अकेले आते वो है खतरनाक है, खतरनाक लोगों से दोस्ती बुरी चला, तो मार देना मर जाना ये कोई क्राइम नहीं हुआ जी। क्राइम होता है रात में चलते बकरा दिन को खेल खा कर करना। सर लगातार आपके विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी की घटना सुनने को मिल रही है। भौगोलिक स्थिति ऐसा है ना, दियारा बेल्ट है, तो कहते गोली बारूद चलना जमीन बार का है सब कुछ, कहीं तो ऐसा ही दारू के मूड में था, यानी आप। प्रथम चरण में डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का होगा वैक्सीनेशन। नौगछिया के रंगरा पीएससी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में रंगरा के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। डॉक्टर रंजन ने कहा कि सबों की सूची बना दी गई है, तो दूसरी तरफ कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि रंगरा के स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन नौगछिया अनुमंडल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर ही होना है। 16 जनवरी से क्रमशः स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स,
प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। मेरे बलमा पड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो ले आयो। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।